तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको ऐसे ही डेली गल्फ और यूरोप जॉब की वैकेंसी सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे चैनल पे वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम थी तो इसके लिए वैकेंसी नहीं आ रहा था, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वैकेंसी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है, सब अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज का जो पहला वैकेंसी है वो कुवैत का वैकेंसी है, और ये आयरलैंड गैस कंपनी का वैकेंसी है, और ये लॉन्ग टर्म जॉब वैकेंसी है। अभी इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है एशिया पावर ऑफिस में। तो इसमें जो कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है, पाइप फैब्रिकेटर चाहिए। इसमें सैलरी भी दिया हुआ है। पाइप फैब्रिकेटर का कितना सैलरी? 170 KD सैलरी है पर मंथ का, प्लस फूड अलाउंस भी है, 20 KD फूड अलाउंस है महीने का। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके पास 2 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पाइप फिटर का, और उनको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आना चाहिए और फैब्रिकेशन आना चाहिए, तो वो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप एशिया पावर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसमें ऑफिस का एड्रेस भी दिया है। तो जो ऑफिस का जो एड्रेस है वो गलन नंबर 12 बेजौला कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सुमन नगर, साइड ट्रम्बी रोड, चैम्बूर में एशिया पावर का ऑफिस है। जो लोग एशिया पावर ऑफिस में गए होंगे उनको मान लूंगा। तो आप लोग एशिया पावर ऑफिस में जाके विजिट करके आप शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। तो उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो कतर के लिए है, और ये आइलैंड गैस का, ये भी आइलैंड गैस प्रोजेक्ट का वैकेंसी है, और ये कंपनी का नाम है गल्फार अल मिसनात कंपनी का वैकेंसी। तो इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू है 30 अप्रैल 2024 को होने वाला है। तो इसमें जो कैटेगरी है वो वेल्डर्स है, टी आर्क वेल्डर है, टी वेल्डर है, पाइप फैब्रिकेटर है, पाइप फिटर है, चार्ज हैंड है, सिविल चार्ज हैंड है, मैकेनिकल हेल्पर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का हेल्पर, इलेक्ट्रिकल का, और PTW सिविल और मैकेनिकल का। इतने सारे कैटेगरी का वैकेंसी है। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया भी लिखा हुआ, जैसे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस का। उसके आज और इसमें उन्हीं का सिलेक्शन, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ECNR पासपोर्ट होगा, वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो 29 अप्रैल को होने वाला है सेगोले इंटरनेशनल ऑफिस में। तो इसमें ऑफिस का एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है और ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो अब ऑफिस पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप मुंबई में तो डायरेक्ट ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का इसमें एड्रेस भी दिया हुआ। तो दोस्तों, जो एड्रेस है वो नीचे दिया हुआ है, तो उस एड्रेस पे आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो सऊदी अरबिया का वैकेंसी है, और ये रूटेड इटालियन कंपनी है ये वैकेंसी है। तो इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो 26, 27, 28 अप्रैल को होने वाला है। तो इसमें जो कैटेगरी है वो टिक एंड आर्क वेल्डर है, पाइप फैब्रिकेटर है, स्ट्रक्चर वेल्डर है, पाइप फिटर्स है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर है, रीगर है, टैंक वेसल फैब्रिकेटर है, इसका फोल्डर है, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, इतने सारे कैटेगरी है। तो ये जो वैकेंसी है वो इसमें ऑफिस में आया हुआ है। तो ये इसमें ऑफिस का एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है और ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया है। तो आप ऑफिस पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप मुंबई में तो डायरेक्ट ऑफिस से विजिट कर सकते हैं। इसमें ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है और ये ऑफिस संडे को भी ओपन रहता है। तो उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो फिर से दुबई का वैकेंसी है। कंपनी का नाम है ड्राई डॉक वर्ल्ड। तो इसमें ये जो वैकेंसी है फ्री रिक्वायरमेंट है और लार्ज रिक्वायरमेंट वैकेंसी है। तो इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो 5 मई को अनूप टेक रवाले में होने वाला है नई मुंबई में। तो क्या है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके पास मरीन सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जो लोग शिपिंग में काम किए हैं तो, या ऑयल एंड गैस में काम किए हैं सेक्टर में, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कैटेगरी है वो इंसुलेटर है, डक्ट फैब्रिकेटर है, कारपेंटर्स है, मैसन है, सीट मेटल फैब्रिकेटर है, इलेक्ट्रीसियन है, टेक्नीसियन टेक्नीसियन, बहुत सारी कैटेगरी है। तो आप अपने कैटेगरी चेक करके उसके बाद से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप सेगोल इंटरनेशनल ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का इसमें एड्रेस भी दिया और ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया है। तो आप ऑफिस पे मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके आप ऑफिस पे पूरी जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप मुंबई हैं मुंबई में तो डायरेक्ट ऑफिस से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑफिस है वो अंधेरी ईस्ट में ये ऑफिस है मुंबई में। तो उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो फिर से कुवैत का वैकेंसी है, और ये रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का। तो अभी इसका शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, और इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, मतलब ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग इसका चल रहा है। ये फ्री रिक्वायरमेंट है इंजीनियर कैटेगरी के लिए।
तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप अपने कैटेगरी चेक करके उसके बाद से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पाइप फिटर भी है, सैलरी बहुत अच्छा है पाइप फिटर का, 250 KD इसमें सैलरी भी दिया हुआ है। तो आप अपना कैटेगरी चेक करके उसके बाद से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप एसिया पाओ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसमें ऑफिस का एड्रेस भी दिया, जो इसमें ऑफिस का जो एड्रेस दिया वो केरला का ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, या कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला जो वैकेंसी है वो कतर के लिए, और कंपनी का नाम है मदीना ग्रुप। तो दोस्तों पता है मदीना ग्रुप कतर की बहुत अच्छी कंपनी है, और ये मेंटेनेंस या शटडाउन का काम कराती है। तो ये 4 महीने का ये शटडाउन का ये प्रोजेक्ट है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो 9 मई को होने वाला है लक्ष्मी गणपति पाइपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने वाला है। तो इसमें जो कैटेगरी है बहुत सारी कैटेगरी देख सकते हैं, सुपरिटेंडेंट से लेके सुपरवाइजर, फोरमैन, QC, कोऑर्डिनेटर, मटेरियल कोऑर्डिनेटर, रीगर, फिटर, फैब्रिकेटर, बहुत सारी कैटेगरी, सारी कैटेगरी का इसमें ट्रेड है। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके पास 3 से 5 साल का ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप सिविल इंटरनेशनल ऑफिस से विजिट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। और इसमें ऑफिस का एड्रेस मोबाइल नंबर भी दिया, तो मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला जो वैकेंसी है वो सऊदी अरबिया का वैकेंसी है, और ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का वैकेंसी है। तो इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, और कंपनी का नाम है अल यमामा कंपनी का नाम है। तो इसमें जो कैटेगरी है वो HVAC इंजीनियर है, सीनियर HVAC टेक्नीसियन है, HVAC टेक्नीसियन, चिल्डर टेक्नीसियन, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर टेक्नीशियन और मटेरियल। मैंने इतने सारे कैटेगरी है, और सारे कैटेगरी के पास कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस प्लांट का, और उसमें क्वालिफिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा या ITI होना चाहिए, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप EMK वाला ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का इसमें एड्रेस भी दिया और ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया, तो ऑफिस पे कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला जो वैकेंसी है वो वेरिन के लिए है, और ये लॉन्ग टर्म जॉब वैकेंसी है, और ये ऑयल एंड गैस कंपनी का वैकेंसी है, और ये फ्री रिक्वायरमेंट वैकेंसी है। तो इसका जो फ्रंटलाइन इंटरव्यू है वो 28 अप्रैल 2024 को अनुपटेक रवाले में होने वाला है, नई मुंबई में। तो इसमें जो कैटेगरी है वो 6G टिक एंड आर्क वेल्डर है, CS और SS मेटल का पाइप फिटर और पाइप फैब्रिकेटर, ये 3 कैटेगरी है। और इसमें जो फ्लाइट होगा आपका 15 दिन में फ्लाइट हो जाएगा। इसमें फूड अलाउंस कंपनी का है, फ्री अकोमोडेशन सब कंपनी का है, गमका मेडिकल अगर आपका फिट होता है तो आपका जो भी पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा। और इसमें इंडियन एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में आया हुआ है, तो इसमें ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है और ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो ऑफिस से भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप मुंबई में हैं तो डायरेक्ट ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला वैकेंसी है वो सऊदी अरबिया का है, और ये 5-स्टार होटल का वैकेंसी है। तो दोस्तों इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो मुंबई में 30 अप्रैल को होने वाला है। तो इसमें फ्री फूड एकोमोडेशन सब कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी का है। तो इसमें जो कैटेगरी एक ही कैटेगरी है वेटर चाहिए, इसमें वेटर का जो बेसिक सैलरी है वो दिया हुआ है 1500 बेसिक सैलरी, और फ्री फूड एकोमोडेशन सब कंपनी का है। तो इसमें जो कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि इसमें मस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5-स्टार होटल का, और एज वैल्यू है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है वो MG वाला ऑफिस में आया हुआ है। तो इसमें ऑफिस का एड्रेस भी दिया और ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया है, तो आप ऑफिस के मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला जो वैकेंसी है वो फिर से दुबई के लिए, और ये लॉन्ग टर्म जॉब वैकेंसी है, आईलैंड गैस ऑनशोर या ऑफशोर प्रोजेक्ट का वैकेंसी है, और फ्री रिक्वायरमेंट है। इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है वो 28 अप्रैल 2024 को होने वाला है अनुपटेक रवाले में, नई मुंबई में। तो इसमें जो कैटेगरी है 2 कैटेगरी, एक CG टिक एंड आर्क वेल्डर चाहिए, CS एंड SS का सैलरी इसमें दिया है। जो सैलरी है वो 1800 से 2000 बेसिक सैलरी है, पाइप फैब्रिकेटर का जो सैलरी है वो 1400 से 1600 दिरहम बेसिक सैलरी है, और फ्री फूड एकोमोडेशन सब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। इसमें 3 से 4 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का इसमें एड्रेस भी दिया और ऑफिस का मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके भी आप पूरी
जानकारी ले सकते हैं। तो अगला जो वैकेंसी है कुवैत का, और शट डाउन जो वैकेंसी है आयरलैंड गैस कंपनी का, तो अभी इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में। और इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो सूरत में 30 अप्रैल को होने वाला है, एसआर इंजीनियरिंग मोरा में, और मुंबई में 5 मई को होने वाला है अनुपटेक रवाले में। तो इसमें जो कैटेगरी है वो इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर है, जनरल फिटर है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, इंडस्ट्रियल लेबर है, मैकेनिक ऑपरेटर, रीगर मैकेनिस्ट, ड्राइवर, एग्जिटिंग एंड आर्क वेल्डर, बेंच फिटर, फैब्रिकेटर, टाइम कीपर और पाइप फिटर। इतने सारी कैटेगरी, सारे कैटेगरी के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आयरलैंड गैस का, तो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप बॉम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट में सूरत का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप सूरत में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर दिया हुआ, और मुंबई का भी कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप जहाँ से वहाँ के ऑफिस पर कॉन्टैक्ट करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो डायरेक्ट आप जहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। वैकेंसी में बस इतना ही, वैकेंसी अच्छी लगी हो तो वैकेंसी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी वैकेंसी में, तब तक वैकेंसी देखने के लिए धन्यवाद।